इस वक्त आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। मुंबई महाराष्ट्र की 25 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, उद्धव ठाकरे ने लोगों को चेताया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 5132 नए मामले आए सामने, 158 की हुई मौतें। परमवीर सिंह के खिलाफ जबरन वसूली मामला सीआईडी को सौंपा गया। एससी से अनिल देशमुख को झटका, अदालत में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज। प्रवर्तन निदेशालय के सामने पांचवीं बार भी पेश नहीं हुए अनिल देशमुख। केंद्रीय मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा में उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां, आयोजकों पर एफआईआर हुआ दर्ज। महाराष्ट्र में फिर से कहर मचा सकती है बारिश, मौसम विभाग ने मुंबई समेत 13 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। अस्पतालों में नहीं लग पाए ऑक्सीजन प्लांट, तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बीजेपी ने बीएमसी प्रशासन को घेरा। राजकुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, अदालत ने 2020 के एक मामले में 25 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश में हथियारों की अवैध फैक्ट्री, मुंबई में डिलीवरी के दौरान हुई क्राइम ब्रांच की रेड। मुंबई का चोर बना स्पाइडरमैन, बांस के सहारे 10 मंजिल तक चढ़कर की चोरी। भाईंदर की खाड़ी में बन रही थी अवैध शराब, पुलिस की रेड में 50 बैरल दारू और 25 गैस सिलेंडर जब्त। आभूषण विक्रेता से 75 लाख रुपए के आभूषण चुराने के मामले में 6 गिरफ्तार। अंधेरी का होगा विकास, टूटेंगी रेलवे की इमारतें। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के खालापुर टोल नाका पर 3 वाहनों में भीषण टक्कर, पुलिस कर्मचारी जख्मी। आईएमडी ने जारी किया मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। एनसीबी के रडार पर है सबसे बड़ा ड्रग तस्कर मूसा, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को करता है ड्रग सप्लाई। रक्षाबंधन पर महिला यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी का ऑफर, ट्रेन बुकिंग पर मिल रही किराए में बम्पर छूट। नवी मुंबई के वृद्ध आश्रमों में टीकाकरण, 381 लोगों को लगा अब तक टीका। मुंबई को मिला पहला पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, एक यूनिट के लिए देने होंगे मात्र 15 रुपए। मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमवीर सिंह पर चांदीवाल समिति ने 25,000 रुपए का लगाया जुर्माना। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का कहर, नांदेड़ में बहा पुल। थाने में कोविड-19 के 207 नए मामले, 7 मरीजों की हुई मौत। थाने में बिजली तार की चपेट में आने से 2 लोगों की हुई मौत। चोरी के मामले में जांच करने पहुंची औरंगाबाद पुलिस टीम, विस्फोटक देख रह गए दंग। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही ताजा तरीन और बड़े खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।